भारतीय क्रिकेट का दीवानापन तो आपने भारतीय के नागरिकों के बीच देखा ही होगा। आज तक आपने लड़कों और लड़कियों को भी मैदान में अपना बल्ले का रंग जमाते हुए देखा होगा। उन्हीं में से एक महिला क्रिकेटर है शेफाली वर्मा, जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। तो आइए जानते हैं इनके सफर को विस्तार से। शेफाली वर्मा का जन्म 28 जनवरी 2004 को हरियाणा के रोहतक जिले में हुआ। इनके पिता का नाम संजीव वर्मा है। संजीव वर्मा को भी क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन पर्याप्त समर्थन और परिस्थितियों के अभाव में वे इस खेल में आगे नहीं बढ़ सके। लेकिन अपनी बेटी को उन्होंने क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए पूरा जतन किया। बेटी को शुरुआती ट्रेनिंग पिता ने खुद देना शुरू किया, लेकिन प्रोफेशनल स्तर पर आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत समझ में आई। शेफाली को क्रिकेट सिखाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत उनके सामने आई वो थी क्रिकेट सीखने के लिए अकेडमी पाने की। रोहतक में उस समय लड़कियों के लिए क्रिकेट सिखाने वाली कोई अकेडमी नहीं थी। संजीव वर्मा ने लड़कों को क्रिकेट ट्रेनिंग देने वाली कई अकेडमी में जाकर बात की, लेकिन कोई एक लड़की को लड़कों के साथ ट्रेनिंग देने को तैयार नहीं हुआ। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने रास्ता निकाला और शेफाली के बाल कटवाकर उन्हें लड़कों के चेहरे के जैसा शेप दे दिया। 9 साल की छोटी उम्र में शेफाली लड़कों की तरफ बन गई और फिर उसे एक अकेडमी में क्रिकेट सीखने के लिए रख लिया गया। हालांकि कुछ समय बाद उनके स्कूल के लड़कियों को क्रिकेट सिखाने की व्यवस्था शुरू हो गई, लेकिन तब से शेफाली अपने उसी टॉम बॉय लुक में रहती है। हालांकि संजीव के रिश्तेदारों ने उन्हें तरह तरह के हतोत्साहित करने वाली बातें कही। किसी ने कहा कि महिला क्रिकेट में कोई भविष्य नहीं है, तो किसी ने लड़कों के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर आगाह किया, लेकिन उन्हें उनके पक्के इरादे डगमगाए नहीं और उन्होंने अपनी बेटी के लिए हर संभव प्रयास जारी रखे। आगे चलकर शेफाली को हरियाणा की महिला क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। आगे चलकर इन्हें भारत के वुमन मिनी आईपीएल यानी वुमन्स T20 चैलेंज टूर्नामेंट में मिताली राज के नेतृत्व वाली वेलोसिटी टीम में शामिल कर लिया गया। वेलोसिटी की टीम में इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची, लेकिन हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व वाली सुपरनोवा के हाथों हार गई। घरेलू मैचों में अच्छे प्रदर्शन की बदौलत जल्दी शेफाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के दरवाजे भी खुल गए। सितंबर 2019 में शेफाली को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2020 सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया। उन्हें भारतीय टीम की पूर्व कप्तान मिताली राज के 2020 क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद टीम में शामिल किया गया। 24 सितंबर 2019 को उन्होंने अपना पहला 2020 मैच खेला। इस तरह से शेफाली की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एंट्री हुई। इस तरह से इनके पिता का अपनी बेटी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बनाने का सपना साकार हुआ। इस तरह से 15 साल 239 दिन की उम्र में उन्होंने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। अंतर्राष्ट्रीय 2020 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड भी शेफाली के नाम दर्ज हुआ। वैसे किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के क्रम में वो दूसरे नंबर पर है। इससे पहले गार्गी बनर्जी उनसे कम उम्र में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुकी है। गार्गी ने यह रिकॉर्ड वर्ष 1978 में 14 साल 165 दिन की उम्र में एक दिवसीय मैच खेलकर बनाया था। उल्लेखनीय है कि पुरुष क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है, जिन्होंने 16 साल 238 दिन की उम्र में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का मौका मिला था। पहले मैच में ओपनिंग करते हुए शेफाली का प्रदर्शन आशानुरूप नहीं रहा और वे 0 रन बनाकर आउट हो गई। इस सीरीज के अगले 2 मैच बारिश के कारण रद्द हो गए, लेकिन 4th मैच में शेफाली ने अपना रंग दिखाया। वो 1 अक्टूबर 2019 को सूरत में खेले गए इस मैच में ओपनिंग करते हुए शेफाली ने सिर्फ 33 गेंदों में 46 रन बनाए। इस पारी में उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के जड़े। बारिश के कारण 17 ओवर के इस मैच में शेफाली वर्मा के ताबड़तोड़ 46 रन की मदद से भारतीय टीम 140 रन बनाई। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 17 ओवर में 7 विकेट खोकर सिर्फ 89 रन बना सकी। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हालांकि 13 रन देकर 3 विकेट लेने वाली पूनम यादव को मिला, लेकिन शेफाली की बैटिंग ने उन्हें देश भर में सुर्खियों में ला दिया। शेफाली ने 2020 के 2020 विश्व कप में अपनी धुआंधार बल्लेबाजी से दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों को अपना दीवाना बना दिया। लोग उन्हें लेडी सेवाग कहते हैं। वो फाइनल मैच में तो रन नहीं बना पाई और इस वजह से भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से फाइनल मैच में हार गई। शेफाली भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना आदर्श मानती है। शेफाली जब छोटी थी तो लाली के मैदान में सचिन तेंदुलकर का जलवा उन्होंने देखा था। वर्ष 2014 में सचिन ने अपना आखिरी रणजी मैच लाली के मैदान पर खेला था। सचिन को देखने के लिए लाली के मैदान में लोग उमड़ पड़े थे। जितनी भीड़ मैदान के बाहर थी उतनी ही अंदर थी। तभी शेफाली को लगा कि भारत में अच्छा क्रिकेटर होने के बहुत बड़े मायने होते हैं। तभी से उन्होंने बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना दिल में बैठा लिया और कड़ी मेहनत शुरू की। तो दोस्तों, शेफाली वर्मा से जुड़ी यह जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।